भाई मैंने जो सामान लिया है ना, बस एक मैगी ली है और कुछ नहीं। और भाई ले रहे हैं यूपी, अभी थोड़ा सा बड़ा, लेकिन फर्क देखो यार। मैगी कौन से लेनी है भाई? मैगी काफी मैगी मैगी है, फैमिली पैक जो है ना वही वाली, जो है 12 सब की। नहीं नहीं ज़्यादा वाली चाहिए। कौन सा सबसे बढ़िया रहता है? बहुत बढ़िया है, चॉकलेट के लिए अलग से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल WSM व्लॉग्स। सो गाइस, आज है छोटी दीपावली। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली कल के लिए और आज के लिए। तो अभी मैं और मेरे दोस्त का प्लान बन रहा है मॉल में जाने का, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में, मतलब वहाँ से शॉपिंग करेंगे। उसको शॉपिंग करनी है कुछ, जो भी है लेना है घर का सामान। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, वैसे तो शाम हो रही है, आराम से इंजॉय करके आएंगे। मस्त क्राउड होगा देख के पब्लिक, फिर थोड़ी देर में जब भी आ जाएंगे घूम के, जल्दी स्टोर सब बंद हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं, चलिए। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर पार्किंग में, तो चलिए। तो गाइस यहाँ तो गंदी भीड़ हो रही है, देखो नीचे आए थे अभी हम, ऊपर तो गए भी नहीं है, ऊपर तो और ज़्यादा भीड़ होगी। तो अभी यहीं पे देख लेते हैं कुछ, जब तक ले ले, पसंद आ रही हो तो भाई जिम के लिए चाहिए वाली टी शर्ट देखो, ले लेंगे। ले ले, अच्छी लग रही है, ले लेंगे। मुझे दिला दे, मुझे दिला दे। तो गाइस ये देखो ऊपर का सीन ये है यहाँ का, सबको मेगा दम सेल आज ही मिल रही है। शॉपिंग तो दिवाली वाले दिन ही करेंगे ना, छोटी दिवाली वाले एक दिन पहले हो रहा है ना शॉपिंग। तो क्या हुआ आगे तो आज भाई सेल भी तो देखो, तगड़ी लग रही है। 50% ऑफ चल रही है, 50% ऑफ चल रही है, ये भी तो देखो। मुझे डिब्बा दोगे ना एक आध, तुम नहीं दोगे? हाँ मिठाई का देंगे भाई, दोगे ना? इतने सारे मतलब तुम इतनी दूर से मुझे अपने घर से यहाँ लेकर आए, तो नहीं बना रहे भाई, तुम जो बनाएगा वो देगा ना, तो मतलब डिब्बा देने से भी कुछ हो जाता है क्या? तो भाई यहाँ तो पूरा मंडप लगा पड़ा है चॉकलेट्स के लिए अलग से, ये अलग ही शो है पूरा, वो क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं सीधा यहाँ ग्राउंड से, सीधा सेकंड फ्लोर पे। तो भाई लेकर आ गए हैं हमें, कह रहे थे हम यहाँ से जस्ट किडीज से खिलौने खरीदने हैं मुझे अपने लिए खेल इधर आया भाई यहाँ पे है क्या नहीं है क्या बोला तूने? ये बिक जाएगा तू, क्या नहीं है इसमें ऐसा पता? सब कुछ है, तू खरीद ले रहा तो क्या खरीदना है बताना, कुछ बताया मतलब खरीदना कुछ नहीं है। और बोल रहा है खा मगे कि कुछ नहीं है इसमें ऐसा, हवाबाज लोग ना हर जगह मिलते हैं ऐसे। कितना फर्क है यार देखो, नीचे मतलब इतनी पब्लिक और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर कोई मतलब है ही नहीं, दूर दूर तक भी नहीं, मतलब दो चार जो घूम रहे, ऊपर तो बिल्कुल खाली है। और नीचे देखो यहीं जाएंगे ना, इस यहाँ पर इतनी पब्लिक मिलेगी सारे, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आज यहीं पर चल रहा है, तो इस वजह से पब्लिक। और ये भाई लेके भी इस वजह से ही आया मेरे को यहाँ पे, क्या डिस्काउंट तगड़ा है आज, तो चलते हैं वहीं पे कुछ कुछ ना कुछ लेंगे। तो मैं भी देख लूँगा इसी बहाने कुछ भी, जो भी मिलेगा मेरे को फिर बढ़िया सा अंदली भाई दिलवा देंगे, दिलदार इंसान है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह गाइस जा रहे हैं नीचे, देखो भाई क्राउड देख लो यहीं से, मतलब कितनी भीड़ दिख रही है पब्लिक के, समझ नहीं आ रहा कैसे इतनी भीड़ में अंदली भाई कैसे शॉपिंग करेंगे। भाई बंदे का तरीका देखो, ये देखो भाई बंदे का तरीका देखो, तुम आइसक्रीम बेचने का समझ नहीं आता चल चल भाई ये नहीं देने वाला, आजा भाई तू भी है, मैं ही सब कुछ करूंगा क्या, आजा जल्दी यार, इतनी मुश्किल से एक कंडी मिली है। अरे भाई फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, अपने शॉपिंग करने तो आगे, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो चलते हैं शॉपिंग करते हैं। तो भाई फाइनली अंदली भाई ने शुरुआत कर दिया सोपों से, चार सोप, लक्स डिटॉल और क्या ना किससे ना दो भाई, और भी कुछ ले लो, संतूर बंतूर लेना हो तो मामा अर्थ भी लोगे, गोरी चमड़ी ले लो भाई ले लो, वो तो गए और कितने सोप लेगा एक और लेना। गाइज वैसे तो मैं यहाँ पे जब आता हूँ, जब मेरे को बहुत ज़्यादा सामान लेना होता है ना, अंदलिप के साथ आ जाता हूँ या किसी के साथ, तो अभी भाई को लेना है तो इसके सिर्फ इसी के लिए आया हूँ, इसी के साथ, मतलब बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है सब कुछ, मतलब बढ़िया इसे चल लिया। जो भी आज देखो इतना शुरू हो गया अंदर, बस इतना ही सामान लिया नहाने देना था, बाकी यहाँ छोड़ गया मुझे अकेले, बस कुछ ही लोग हैं। गाइज भी मेरे को अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ उसका, जब से लूट रहा है भाई, लूट रहा है माल, लूट रहा है, खुद छोड़ के गया, खुद ही भूल गया है, ये कोई बात होती है भाई, क्या क्या लूट के लाया भाई, लूट लो भाई लूट लो, सेल लगी है बाय वन गेट वन, लूट लो। मेरे को फिर से इस सुनसान जगह छोड़ कर चला गया, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सुनसान है ये जगह, देखो भाई
मैगी कौन से लेनी है भाई? मैगी काफी मैगी मैगी है फैमिली पैक जो है ना बड़ा वाला, हाँ 16 पैक जिसमें आते हैं भाई यार मैगी ले रहे हैं। वही वाली तो है 12 शख्स की? नहीं नहीं ज़्यादा वाली चाहिए, 16 वाली जो आती है ना। ये कम वाली है? मैं देख रहा हूँ मैं कितनी पीस, हाँ वही है, वही है ना, तीन साइज का। हाँ तो यही ले लो भाई। तो भाई मैंने जो सामान लिया है ना बस एक मैगी ली है और कुछ नहीं, और भाई ले रहे हैं यूपी अभी थोड़ा सा ही बड़ा, लेकिन फ़र्क देखो यार इसमें और इसमें बहुत कमज़ोर है लग रहा है। अभी और चलते हैं कुछ लेने आगे। तो गाइस हम यहाँ पर कन्फ्यूज़ है थोड़े, ये मिल्क फूड का जो घी है ये 470 का और जो गुड लाइफ है वो है 465 का, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। हम दोनों कन्फ्यूज़ है फिलहाल, तो समझ नहीं आ रहा क्या ले, दोनों ही ले लें एक काम कर दो। कहते हैं ना डब्बे वाले जो बॉक्स वाले होते हैं ना, कौन सा वाला घी ले रहा है वो, कोई एक ले लेना। दूध तो पीता ही है इंडिया, तो अमूल घी पियो है ना, सही है ना। सुन भाई कुछ मत खा, तेरी जान की कसम ये ले ले एक बार, सुन ये ले ले देख असली डाइट भाई, ऐसा हो जाएगा तो जिम तो कर ही रहा है। काजू बादाम सब है यहाँ पे, बता क्या लेना है, है बादाम ये रे काजू ये रे, बता क्या लूँ भाई, ऐसा हो जाएगा सही में, लेके तो देख भाई। टू गेट वन फ्री मिल रहा है, कितने ले ले, एक दो तीन, एक ही क्यों ले रहा है, तीनों अलग अलग लेना, कौन सी बोले था मसूर के लिए मूंग लेनी है, मूंग कौन सी भाई, दालों के बारे में मेरे को मुझे कुछ कन्फ्यूज हो जाता है। चने की ले ले एक काम कर, चने की तो पता है मेरे को, ये मूंग मसूर की बोली थी यार, दिख गई ढूंढने के बाद मिलता है यार। नहीं लेकर रखा जा रहा है, एक ही बारी में ले लेना यार भाई, लेके कैसे जाएंगे, ये भी तो देख तू ले तो रहा है, कितने हो गए, चार और पहले तीन थी, सात आठ हो गई, पहले चार थी जब हम आए थे बिल्कुल खाली थे, और अब देखो धीरे धीरे भाई ने सब कुछ भर दिया इसमें है, और कुछ रह रहा है देखते एक ही बार में ही देख लो सब कुछ भाई की रह गई अभी यहाँ लास्ट चीज वाटर बॉटल। बॉटल अनबॉक्स कर रहे हैं दुनिया भाई, तेने क्या क्या अनबॉक्स करती खोल लिए थे भाई, अरे खोल ना डर क्यों रहा है, ओ भाई कितनी महंगी बोतल है, डर गया मैं तो, बोतल है हाँ, अबे कुछ और ले लें, इतनी बढ़िया बढ़िया बोतल तुझे यही मिली प्लास्टिक की, कांच पे से सीधा प्लास्टिक पे आ गया। तो गाइस अभी चलते हैं दूसरे स्टोर में आगे की तरफ, चलिए इस बंदे को अपनी चैन नहीं है, अब गुलाब जामुन लेने पहुंच गया गाइस, देखो मतलब फुल भरा पड़ा है सब कुछ, और यहाँ पे इसको अब भी लेने की पड़ी है, फिर दो गुलाब जामुन लेके ही आ गए हैं, माने नहीं सही है भाई, चलो चलो अब लेके जाने की चिंता करिए, उसको कैसे ले जाएगा, हाँ कम से कम दो या तीन बैग तो बनेंगे भाई। मैं सोच रहा यार एक सेंट ले लूँ, मैंने फोक का बढ़िया रहता है, किसका बढ़िया रहता है, ये सारे पैक है, बाय वन गेट वन है निविया पे, कौन सा सबसे बढ़िया रहता है, फोक बढ़िया है, फोक ले लो, ये सब पैक है यहाँ, सही है। तो भाई बिलिंग कराने के लिए चार बंदों के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, हमारा चौथा नंबर है, पांचवा है सॉरी, एक दो तीन चार पांच, पांचवे हम हैं भाई। ये देखो जिस तरीके से रोड पे जाम लग जाता है ना, ट्रैफिक का मतलब हर जगह जाम हो गया है, इधर भी इधर भी इधर भी, एक जैसे रोड पे जाम लग जाता है ना ट्रैफिक का, उस तरीके से गाड़ियां जाम पड़ी है सबकी। भाई ने बस इसमें से अपने लिए एक परफ्यूम लिया, बाकी सारा ना घर का सामान है, ये देखो सारा घर का सामान है। चलो भाई फाइनली बिलिंग करा लेते हैं अपनी, और टाइम के बाद कुछ ज़्यादा ही सामान लूट लिया आज तूने, कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया भाई, देखियो तेल ही तेल नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो फाइनली एग्जिट कर दिया है अपना, ओए क्या कर रहा है भाई, गिरेगा क्या, बहुत फोर्स है इसमें, मतलब फोर्स है तो क्या, मतलब सही से पकड़ रहे भाई, अभी गिर देता देख रहे हो इसको, इतना भी फोर्स नहीं, कहाँ पकड़ कर लग रहा है, मैं भी तो पकड़ रहा हूँ सही से, पकड़ छोड़ दूँ
गाइस जा रहे हैं पार्किंग में, अब इसको देखते हैं कैसे रखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तीन तीन पाइस देखो हमने ना रूल्स का पूरा पालन करा, इसको भी पार्किंग में लगा दिया अपने गाड़ी को, कहीं इसको ऐसे छोड़ कर नहीं जा रहे हम। ये देखो बाइक की पार्किंग है, इसको हमने अच्छी तरीके से लगा दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई चलन नहीं कटेगा इसका, अच्छी तरीके से लगा के जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसे लग ही नहीं रहा, कोई कह नहीं सकता हमसे, है ना। तो भी चलते गाइस, चलिए गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ उसका आने का, उसके घर के बाहर हूँ। बाकी देखो गली में रोशन हो खड़ी है लाइटों से, बढ़िया लग रहा है। हैप्पी दिवाली, आगे वाली ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है, एक उससे आगे लास्ट में ये, और ये भी भाई दिवाली का गिफ्ट मांगने आ गया, ये ऊपर चढ़ गया तो भाई। सो भी गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूं, तो इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। बाकी आज मैंने काफ़ी दिनों बाद व्लॉग किया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ मतलब जाने का, मैंने सोचा व्लॉग कर लेता हूं। उसका फ़ोन आया था कि ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर आना, मॉल में चल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कर लिया। बाकी हाँ मैंने आईफोन 15 लिया था, मैंने कुछ इस वजह से भी व्लॉग कर लिया था, मैंने सोचा चलो क्लियरिटी चेक कर लेते हैं इसके, बाकी परफेक्ट है, कोई इसमें अभी तक कोई दिक्कत लग नहीं रही है मुझे क्लियरिटी में। सिनेमेटिक आप देख रहे होगे, इस टाइप पीछे का ब्लर आ रहा है, जो भी है जितना भी है तो मुझे तो ठीक लगा, कोई मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। भाई देखो कितना बड़ा बम लगा रहे यार ये, देखो भाई क्या कर देगा।